Assalamu alaikum class 3. Take out your book Amazing Science. Today we will do book work of unit number 5. Filling the blanks to complete the statements. Hali jagah pur kare. The layer of air around the earth is called the atmosphere. Zameen ke ird gird jo hawa hai isko atmosphere kehte hai. B. The atmosphere is more than 1000 kilometers deep. Atmosphere 1000 kilometer gehri hai. सी ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस तमाम जानदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं सांस के जरिए डी इन समर द एयर इज वार्म गर्मियों में मौसम गर्म होता है ई इन द रेनी सीजन द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर बारिश के मौसम में हवा में बहुत ज़्यादा आबी बुखारात होते हैं एफ Warm air is lighter than cold air. गर्म हवा ठंडी हवा की निस्बत हल्की होती है G. Moving air is called wind. चलती हुई हवा को wind कहते हैं A lighter wind is called a breeze. A gale is strong. Next, draw and label a pie chart to show the composition of air. Draw a diagram with labeled arrows to show the composition of air in the atmosphere. आपने इस कंपोजिशन के ज़रिए डायग्राम बनानी है थ्री में आपने हवा की कंपोजिशन को जाहिर करना है इसके लिए आपने एक पाई चार्ट बनाना है उसको लेबल करना है जिसके ज़रिए आप बताएंगे हवा की कंपोजिशन वर्ड्स मीनिंग्स ह्यूज बहुत बड़ा लेयर तह एयर हवा अराउंड इर्द गिर्द डीप गहरा गिवन आउट खारिज करना प्रेस दबाना मैयर पेमाइश डायरेक्शन सिम्प्ट ह्यूरिकेन तूफान स्टूडेंट्स आपने इस बुक वर्क को अपनी बुक पर सॉल्व करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ टेक केयर अल्लाह हाफिज़